तेलंगाना में हैदराबाद नगर निकाय के हाई प्रोफाइल चुनाव में शुक्रवार को आए परिणाम में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा। भाजपा दक्षिण के इस शहर में जनाधार मजबूत करने में कामयाब रही। उसने सीएम के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस को कड़ी टक्कर दी है। टीआरएस निगम की 150 में से 55 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन उसे 2016 के चुनाव की अपेक्षा काफी नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में टीआरएस को 99 सीटें मिली थी। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम ने 44 सीटें जीतकर तीसरा नंबर पाया है। भाजपा 48 सीट जीतकर ओवैसी की पार्टी से आगे निकल गई है। पिछले चुनाव में भाजपा को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। यहां निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहता है। इस बार 46.55% वोट पड़े हैं। हालांकि यह 2016 के पिछले चुनाव के 45.29% मतदान से कुछ ज्यादा रहा। इन चुनावों में वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर भी खूब मशक्कत हुई। सड़क पानी से ज्यादा पाकिस्तान, जिन्ना सर्जिकल स्ट्राइक और हैदराबाद का नाम बदलने तक का जिक्र किया गया। भाजपा ने अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी जैसे दिग्गज नेताओं को इन चुनावों में उतारा था।